2 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं आया है, और पिछले बार जो 3 मंथ का जो 11,000 हम लोग को दिया गया था उसका क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है। ऑफिस में बात की कि हम लोग को पेमेंट थी मतलब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को पेमेंट जल्दी दिया जाए। जोहार नमस्कार, खबरों की खास बुलेटिन में मैं आज उपस्थित हूँ झारखंड की राजधानी रांची के रिनपास में। रिनपास जो कि राज्य का मानसिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, और यहाँ पर एक मामला है कि यहाँ पर जो कार्यरत नर्स बहनें हैं उन्हें 2 सालों से काम लिया जा रहा है और उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है वेतन, क्या है इनकी मांगे, क्या है इनकी समस्याएं, आइए सीधे इनसे जानते हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्यों एकजुट है यहाँ पे? हम लोग अभी 3 मंथ नहीं, अभी तो 3 मंथ चल रहा है, 2 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं आया है, और पिछले बार जो 3 मंथ का जो 11,000 हम लोग को दिया गया था उसका क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है। सैलरी नहीं मिली 3 महीने का, तो कुछ तो कारण होगा उसका, कुछ कारण बताया? हम लोग ऑफिस में बात करने के लिए जाते हैं, पर कि बोलते हैं कि हो रहा है बोल के अभी तक तो नहीं हुआ है, फाइल ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप लोगों ने मांग उठाई कि हम लोगों को सैलरी का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, दिक्कत हो रहा है घर चलाने में, ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग बहुत बार आए ऑफिस में बात की कि हम लोग को पेमेंट थी मतलब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को पेमेंट जल्दी दिया जाए। और हम लोग का पीएफ भी काटा जा रहा है, पर पीएफ अकाउंट में वो शो नहीं कर रहा है। पीएफ अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के शिकायत की है यहाँ के स्थानीय जो भी यहाँ का प्रबंधन है? जी सर, हम लोगों ने शिकायत किया था, पर अभी तक केवल आश्वासन मिला है, हम लोगों को किसी तरह कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है सर। पीएफ अकाउंट आप लोगों का एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कभी कटौती हुई है? यस सर, हम लोग का हुआ है, स्टार्टिंग में 3 मंथ का 4 मंथ का जो सैलरी मिला है उसमें हुआ है। और सर, सैलरी के लिए जैसे हम लोग इसमें बात करने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कभी फंड में पैसा नहीं है, तो चेक साइन नहीं हुआ, हमेशा हम लोग को ये रीज़न हम लोग को बताया कि फिर हम लोग को वापस किया जाता है। तो सुना आपने, समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि इनका वेतन नहीं मिला है, पीएफ में जो कटौती दर्शाई जा रही है उसका भी कट रहा है कि नहीं वो पता नहीं है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिला परिषद हैं प्रमुख, आई उनसे सीधे जानते हैं। जोहार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्याएं हैं नर्स बहनों की? देखिए, नर्स बहनों की काफ़ी सारा समस्या है। पूर्व में भी एक बार हम लोग मिले थे यहाँ के डायरेक्टर महोदय से, समझ गया ना, उस पर थोड़ा बहुत समस्या का समाधान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन बहनों के साथ काफ़ी दिनों से शोषण हो रहा है। ना इन लोग को सही समय पैसा दिया जाता है, ना जो वेतन 18,000 या 25,000 कह के जो इन लोग को रखा गया उस पर भी 16,000 रुपया दिया जाता है। आए दिन समझिए कि यहाँ पे लोग शोषण पे शोषण, डरा धमका के यहाँ के लोगों को जो है ना ज़बरदस्ती गोरे कागज़ पे साइन करा कर कि आपको अगर आप थोड़ा ज़्यादा बोलिएगा तो बाहर निकाल देंगे। ये कहाँ का मतलब, ये तो कोई मतलब नहीं है। खट रहा है तब वेतन मिल रहा है, ना कि कोई आके खड़ा हो जा रहा है उसको वेतन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कहना है कि ये संस्था है और संस्था में ये हमारे नर्स बहने लोग खट रही है, इनको अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अभी हमने सुना न्यूज के माध्यम से कि एक्स रिटायर नर्सों का यहाँ पे पुनः बहाली किया जा रहा है, ये क्या मतलब, ये कहाँ का नियम है? मेरे हिसाब से जब ये बहने लोग हमारे काफ़ी दिनों से खट रही हैं, तो क्या इनका अधिकार नहीं है उस जगह में जाने का? क्या इनका क्वालिफिकेशन नहीं है या उस लायक नहीं है? अगर 16 ही 17 बहाली लेना था, क्या ये 54 में से 16 17 भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है? ये करने का कोई मतलब तो है नहीं। केवल और केवल यहाँ जो है ना पैसाखोरी का मामला चल रहा है निश्चित तौर पे, और इन बहनों के साथ शोषण हो रहा है। तो सुना अपने, जिला परिषद जमील अख्तर जी का कहना है कि बहनों के साथ शोषण हो रहा है, जो समस्याएं हैं पूरी तरह से उनको रखा। हमारे साथ में यहाँ के उपप्रमुख हैं, क्या समाधान दिखता है इनकी समस्याओं का? देखिए, एक्चुअली मैं तो अभी मामला मेरे पास आया जमील अख्तर के द्वारा, मैंने अपना जो भी कार्य स्थगित करके मैं तुरंत पहुंचा, और जो भी बहने हमारे जो नर्स बहने हैं यार यहाँ 2 साल से विगत कार्य कर रहे हैं यार, इनके खिलाफ जो शोषण हो रही है बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि जब इन लोगों को बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में या जैसे भी लोगों को रखा गया कि पर मंथ आपको 25,000 भत्ता मिलेगी, और आज सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का भत्ता 12,000-15,000, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग जो 54 नर्स हैं जो विगत 2 साल से कार्यरत हैं, और अभी जो बहाली शायद होने वाली है, इन्हीं बहुत सक्षम भी हैं इन लोग,
इन्हीं से इंटरव्यू लिया जाए और जो लायक है उनको बहाल किया जाए। बिल्कुल सही बात है, अगर ये योग्य हैं तो स्थानीय को प्राथमिकता देनी है, और स्थानीय ये सारे के सारे हैं, तो अगर ये योग्य हैं, अगर ये जो न्यूनतम अर्हता है यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसे पूरा करते हैं तो निस्संदेह इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इनका जो भी भुगतान बकाया है वो होना चाहिए। और जो पीएफ में कटौती की जो सूचना मिली, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं आगे जा कर के कि यहाँ के जो व्यवस्था के जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी उनका पक्ष लेते हैं। तो बातचीत के क्रम में सुनने में ये बातें आई कि ये अपना जो ड्यूटी है वो नहीं निभा रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एकजुट हो गई हैं, वार्ड में पेशेंट्स को देख छोड़ के लापरवाही से आई हैं। तो आइए सीधे इनसे जानते हैं कि वार्ड में पेशेंट को छोड़ करके यूँ ही आ गए हैं। जी नहीं, हमारे वार्ड में जो मॉर्निंग शिफ्ट की हैं वो लोग देख रही हैं पेशेंट, और हम यहाँ पे एक ये दो वार्ड देखते हैं, कभी कभी तीन वार्ड भी देखते हैं अकेले। आप किसी पेशेंट को ऐसे ही छोड़ के आ गए हैं क्या अपने वार्ड? सर, हम लोग एक स्टाफ को छोड़ के आए हैं सर। हमेशा इसी तरह चलता रहता है, जब भी इमरजेंसी होता है तो हम लोग रहते ही रहते हैं, इसलिए हम लोग को छोड़ने का कोई बात ही नहीं है। क्या पेशेंट को ऐसे ही छोड़ कर के आ गए, वहाँ पे कोई स्टाफ है देखने के लिए? आज तक हम लोग कभी भी ऐसे बिना मतलब कि स्टाफ के हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं। पिछले बार भी आए थे तो हम लोग मेडिसिन सारा कंप्लीट करके सारा पेशेंट देख के और एक दो नर्स को मतलब देखने के लिए वहाँ छोड़ के ही आए थे, और इस बार भी वैसे ही किए हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो बात नहीं है, सब कोई है वहाँ पर देख रही है स्टाफ सब। वार्ड में स्टाफ छोड़ के आए हैं, क्षमा चाहूँगा, वार्ड में पेशेंट को ऐसे छोड़ के आ गए हैं क्या? नहीं नहीं, स्टाफ है, मॉर्निंग स्टाफ वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में वहाँ पे जो स्टाफ काम करे वो लोग हैं। हाँ, आपका किस शिफ्ट में ड्यूटी है? मेरा नाइट शिफ्ट है। ठीक है, आपका किस शिफ्ट में ड्यूटी है और आपके वार्ड में कोई स्टाफ है जो अभी देख रहा पेशेंट? बिल्कुल, हमारे वार्ड में स्टाफ है, हम लोग सब अरेंज करके आए हुए हैं और हम लोग नाइट शिफ्ट में हैं। तो सुना दर्शकों आपने कि ये लोग जो हैं वो वहाँ पर पूरा व्यवस्था ताकि पेशेंट्स को कोई परेशानी ना हो उसको ध्यान में रख करके वहाँ पर सारा कुछ इंतज़ाम को ध्यान में रख करके आई हैं ताकि अपनी मांग भी यहाँ पर उठा सके। ये सारी नर्सेज यहाँ पर फिलहाल ऑफ ड्यूटी हैं, आप लोग कुछ लोग ऑफ में हैं और कुछ लोग नाइट शिफ्ट करके हम लोग अभी मॉर्निंग में आए हैं। तो कुछ नर्सेज यहाँ पे ऑफ ड्यूटी हैं और कुछ नर्सेज यहाँ पर नाइट ड्यूटी करके आई हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग तो अभी मान के चलिए अगर प्रमुख साहब लिख के दिए हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हम लोग को मिला गया। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो नर्स हैं, दीदी लोग जो शादीशुदा हैं, अगर सैलरी अगर ढंग से नहीं मिलेगी तो भरण पोषण बाल बच्चा कैसे करेंगे? इनका दर्द को समझिए, हम समझिए, परिवार बच्चा छोड़ के जो है ना यहाँ नौकरी करने आया है, 25,000 कह के 16,000-12,000 रुपया में मान चलिए आप लोग खटा रहे हैं पूरा एजेंसी के साथ, एजेंसी को लाने वाला आप भी है, देने वाला आप भी है, समझ गया ना? ठीक ना, तो बोलेगा कौन, बोलेगा कौन एजेंसी को पैसा के लिए, समझ गया ना? किस एजेंसी के थ्रू आए थे और किस एजेंसी में काम कर रहे हैं इस चीज को पहले आप समझिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ओवरनाइट इनको एब्जॉर्ब कर लिया। सर जी, मैंने वही एजेंसी के बारे समझने बुझने के लिए और इनकी समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, हम आपको अवगत करा रहे हैं। अब हमारी चीजें जो होंगी वो एवरग्रीन से, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने एवरग्रीन वाले को बता दिया है, उन्होंने कहा कि जो भी ग्रीवेंसेस है सब आप हमको लिख के दे दीजिए, अगर जो इसमें देर से हो रहा है पेमेंट, कम पेमेंट हो रहा है, जो भी चीज है, देखिए ये यही बात अगर हम लोग मिल के अगर मैडम से बात करते हैं, जन प्रतिनिधियों से मिलने में समस्या क्या है मैडम को? कोई समस्या नहीं है, हम तो अभी देखिए ना आपके सामने ही सामने से आए हैं, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है दर्शकों की, जब हम लोग आए बात करने की कोशिश किए तो उन्होंने बात नहीं किया। यहाँ पर उनका पक्ष, क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर भुवन ज्योति, डॉक्टर भुवन, मैं यहाँ पे आईसी इंचार्ज भी हूँ मैं यहाँ का। तो ये सारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं वो डिप्टी डायरेक्टर मैडम देखती हैं, वो आती होंगे अभी, और अभी हम पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो क्या ये बातें डायरेक्टर मैडम जो ज्योति सिमले जी हैं वो इस बात को बनाने वाली बात नहीं, मुद्दा हम क्यों बनाएंगे? हमारा काम सच दिखाना है सर, और क्या इस बात को वो खुद से 10 सेकंड के लिए मिलकर इनको नहीं कह सकती थी? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि इतनी भी योग्यता उनको नहीं दिख रहा है? परमिशन कौन देगा? अगर किसी संस्थान के निदेशक से मिलने की कोशिश की जाए, डायरेक्ट उन्हें नाम भेजा जाता है कि मैं हूँ अपने पहचान के साथ, तो परमिशन कौन देगा? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री परमिशन देंगे? कोई नहीं, वो खुद परमिशन देंगे, हो सकता है किसी चीज में वो हो बिजी हो,
इसीलिए वो नहीं दिए। अभी जाते हैं, पूछ लेते हैं, उसके बाद वो कर लेते हैं। तब तक हमारे ये कहना कि जो इनका समय उन्होंने लगाया कि यहाँ किसकी इजाजत से घुस गए, किसकी इजाजत से फोटोग्राफी की, ऐसे बिना इजाजत कैसे घुस गए, उतने समय में नहीं है क्योंकि ये मेंटल हॉस्पिटल, ये हम आपको बता दे। तो ऐसे भी बताना चाहूंगा दर्शकों की मैंने किसी भी मेडिकल वार्ड में जाकर के कोई फोटो या वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, ये पूरे न्यूज के दौरान देख सकते हैं। हमने यहाँ पे यहाँ की नर्सों की समस्याओं को दिखाया, वो सारा डायरेक्टर कक्ष के समक्ष में रहा जहाँ पर कि मेंटल पेशेंट्स नहीं थे। तो हॉस्पिटल को कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया है। नर्सों का भी कहना है कि वो अपने ड्यूटी से समय को नज़रअंदाज करके नहीं आई हैं, सभी कोई अपना ड्यूटी में काम को निपटा करके अपनी बात को रखने आई हैं। और यहाँ वो दर्शकों दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे नर्सों ने अपनी समस्याओं को रखा है, जो बार बार कहा जा रहा है कि नर्सों ने अपनी समस्याओं को लिखित रूप से नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मासिक वेतन से पीएफ एवं ईएसआईसी कटौती नहीं किए जाने के संबंध में ये आवेदन दिया गया है। और एजेंसी का नाम जिसका जिक्र किया जा रहा था उसका भी नाम यहाँ पे दर्ज है कि एवरग्रीन एजेंसी के अंतर्गत ये सारी नर्सें काम कर रही हैं, और जो इनकी समस्याओं हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए वो यहाँ की निदेशक से गुहार लगा रही हैं, क्योंकि वही यहाँ की सबसे प्रमुख पदाधिकारी हैं। यहाँ पर वो पासबुक का वो कॉपी भी है जो यहाँ के अभी जिनसे आपने सुना यहाँ के पदाधिकारी से कि क्या वो कोई प्रूफ है कि उन्हें कम मिल रहा है वेतन। तो अब देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से कि 25,000 की बात की गई थी मगर महज 710 रुपए अकाउंट में आते हैं। 25,000 की बात की गई थी और महज 11,710 रुपए अकाउंट में आए हैं। ये मैं यहाँ पर यहाँ की निदेशक के कक्ष के बाहर में खड़े होकर के बोल रहा हूँ। और अब भी अगर सबूत की ज़रूरत है इन्हें न्याय देने के लिए तो ये वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान सरकार और जो कोई भी जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए शर्म की बात है कि इतने सबूत के बाद भी अगर वो कहते हैं कि हमें लिखित में दीजिए और परमिशन लेकर के आइए। जनप्रतिनिधि को यहाँ की पदाधिकारी से मिलने के लिए परमिशन चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र के प्रमुख और जिला परिषद हैं जिससे कि मिलने से इनकार कर दिया गया कि परमिशन लेकर के आइए। तो सारे सबूत आपके सामने है जो जो इंटरव्यू कल हो रही है। सुनिए ना, एक मिनट अभी सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, अभी 54 नर्स हैं। अगर जो इंटरव्यू कल हो रही है और अगर ये इंटरव्यू में इन लोग से लिया जाए और योग्यता के अनुसार इन लोग को रखा जाए, हम नहीं बोल रहे कि 54 का 54 रख लीजिए, हो सकता है मे भी आपके यहाँ 15 या 20 होगा या 10 होगा, और एक लोग सक्षम है, सकुशल आप इंटरव्यू लेके वो लोग पूरा सब चीज़ परिपूर्ण है तो रख लिया जाए। अब अभी आपका एक अफसर आए थे भैया, आपके एक अफसर आए थे कि ये लोग को कोई जानकारी नहीं है, कोई टेक्निकल ये लोग जानता नहीं है, तो क्या आप लोग नहीं जानते हैं कोई जो पूर्व का जो पहले का जो नर्स लोग दीदी लोग है उन लोग का कभी कोई इन लोग बता रहे थे कमर दर्द रहता है तो बैठा कुर्सी में बैठा के सारा काम उनका भी यही लोग करता है, तो क्या ये योग्य नहीं, क्या ये लोग का क्वालिफिकेशन नहीं, अगर क्वालिफिकेशन नहीं योग्य नहीं है तो फिर इन पास से ये लोग को दौड़ा के भगा दीजिए ना, रखने का तो कोई मतलब है नहीं। हाँ बोलिए, सरकारी वर्कर जब है यहाँ पे वो लोग अच्छा से काम करते हैं, हम लोग क्यों दौड़ धूप करते हैं? सर अगर बोल रहे हैं कि आप लोग, एक मिनट, अगर सर बोल रहे हैं कि आप लोग हैं तो चल रहा है संस्था, चल रहा है, तो पेमेंट इन लोगों के साथ कटौती क्यों किया? सुनो अभी लम आप लोग जो पासबुक जो एंट्री हुआ है सारे जमा करो। अब किसी का सामना भी ना करिए ना, बाकी साक्ष्य का बात होगा तो फिर गवाह हम लोग होंगे कि नहीं होंगे बताइए। ठीक है, आप लोग जमा करो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा, एजेंसी के थ्रू है तो आप बिल ही दिया है जून में 10 जून को,
आपको हम मतलब आज तो नहीं तो कल आइए आपको हम दिखा देंगे सब चीज़ आएगा तो वो प्रोसेस होगा वो भी 10 दिन छुट्टी पड़ती है जैसे मैं उड़ा है कि क्या है मतलब आप लोगों का सारा जो डिटेल है अपना पासबुक का एंट्री करा के कल कल या परसों एक महीना का दो ठीक है कल कल या सोमवार को जो भी करना है पाँच छः आदमी जरूर हम लोग आएंगे मतलब 3-4 महीना पहले उसके बाद हम लोग बुलाते भी हैं पत्ते मिल जाता है उसके बाद कोई बोलते भी नहीं आता है कि मेरा मिल जाता है तो प्रयास किया था हमने कि यहाँ की जो निदेशक हैं जयति सिमलई रिनपास निदेशक उनसे बात करने की उनका पक्ष लेने की मगर वो बात करने को तैयार नहीं हुई। उनका रवैया कुछ इस प्रकार से था कि आपको परमिशन लेके आना चाहिए आपकी हिम्मत कैसे हुई इस कैंपस के अंदर में फोटोग्राफी करने की वीडियोग्राफी करने की। तो इन बातों को मैं अगर कहूँगा तो शायद आपको यकीन ना हो तो आइए जो लोग इस अवसर पर मौजूद थे आइए सीधे हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ घटित हुआ यहाँ पे। जब हमने बात करने की कोशिश की तो देखा आप लोगों ने कि मतलब उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हाँ ये सर हम लोग तो बाहर में थे अंदर में आप लोग थे तो बाहर में तो मैडम तो नहीं आए बाहर में और अभी जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी भैया सब थे वो सब आपसे आप लोग से बात किए। क्षमा चाहूँगा तो सुना आपने कि हमने बात करने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर बिना किसी इजाज़त के वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें न्यूज़ रिकॉर्ड ना करें तो क्या होना चाहिए दर्शकों ये आप ही तय करिए और इन नर्सों को न्याय कैसे मिलेगा वो हमें ज़रूर से बताएँ।